तो अभी बारिशों के हटी है, बहुत ज़्यादा बादल है, तो अभी केजेस ढांपती हैं। ये देखें ज़रा, इसके ऊपर ये थैले दिए हुए हैं, चादर दी है, तो बस अच्छी तरह से ये कबूतरों के केज इसको बंद कर दिया। और ये जो नीचे वाला है ये भी इसको भी ढांप दिया है। इसके साथ ये देखें लकड़ियाँ लगाई हुई हैं कि थैले उड़ ना जाएँ, बहुत ज़्यादा बादल हुए हैं, अभी बारिश हो के हटी है, साथ ओले भी थे, बहुत तेज़ बारिश हुई है दोस्तों। तो बस इसको अब सुबह देखेंगे, अभी वैसे भी शाम हो रही है, तो इधर जो बादल मतलब गरज भी रहे हैं और चमक भी रहे हैं, तो इसलिए इनकी आवाज़ तो हल्की हल्की आ रही है मुर्गियों की। एक मुर्गी नहीं भी लेके आए तो सुबह इनको देखेंगे। जी तो दोस्तों, अभी मैंने कुछ थोड़े बहुत थैले उठाए हैं केजेस से, और बाकी कुछ एक दो हैं वो भी उठा के केजेस खोलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। वैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है, धूप निकल आई है, तो बस अभी इनको अगर खोल देते हैं ताकि ये भी धूप इंजॉय करें। और अल्लाह का शुक्र है दोस्तों, पानी नहीं पड़ा इसमें, ऊपर से ये नहीं कि डंपर आया ये। और ये देखें, ये पहले वाला एक बच्चा है, इसको ये बड़े दोनों कबूतर मारते हैं, इसको साथ गंदू भी नहीं खाने देते। ये इसकी गर्दन पे भी ना ऊपर से पर थोड़े गए हुए हैं, बाहर नहीं गए ये देखें। इसको पता नहीं क्यों मारने लगे हैं, अभी शायद अंडे दिए इसलिए इसको मारते होंगे। तो इनको गंदम में थोड़ी बहुत है, बाकी अभी थोड़ी और डाल देंगे, तब तक हम देखते हैं मुर्गियों को बाहर निकाल देते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये दोस्तों सामने ब्लैक मुर्गी बैठी है, ये ब्लैक कल शाम को मैं लेके आया था, तो तब आंधी आ रही थी, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। वो एक मुर्गी पहले बैठी हुई है, वो कुड़क हुई थी हमारी मुर्गी, एक इसके अंडे हमने रख दिए थे दूसरी मुर्गी के, कल तक वो मुर्गी बच्ची निकाल लेगी, तो कल इंशाल्लाह छोटे छोटे चूजे आ जाएंगे, फिर उनको देखेंगे। तो अभी इन्होंने गंदम वगैरह खा ली, रात को मैंने कब सर गंदम डाली थी इनको, क्योंकि टाइम से पहले बंद कर दिए। ये दो तो पहले वाले हैं हमारा मुर्गा और मुर्गी, ये वही मुर्गी है जो कुड़क हुई थी, तो ये ब्लैक वाली हम देखे हैं। ये देखें दोस्तों, ये मुर्गी कल शाम को मैंने लेके आया था, अच्छी है मुर्गी, ये भी बाहर निकल आई, एक वो चली गई है, तो जो कुड़क हुई थी वो अभी केज में ही बैठी है। उस वाकई इसको बेचारे को ना मारता है बड़े वाला बुतरी है, तो उसी का बच्चा, लेकिन पता नहीं क्यों शायद अंडे दिए इसने इसलिए मारते हैं, पैर ठीक हो जाएंगे खुद ही, तो इसको हम छोड़ देते हैं। वो भी बैठी हुई है, तो मेरे कुड़क हुई है, कितनी तेज आवाज़ निकाल रही है, तो बस इनको इधर छोड़ देते हैं। अभी बाकी बकरियों को निकाल देते हैं, वो भी टाइम से पहले की बंद की हुई है, कल उनको फीड भी बहुत टाइम से करवा दिया था, बस अभी ये वहाँ से चारा वगैरह खाएंगी थोड़ी देर। दोस्तों काफ़ी देर से मैं यहाँ इधर उधर फिर रहा हूँ, मुर्गी देख रहा हूँ, न्यू मुर्गी नहीं मिल रही थी, तो अभी मैं इधर आया था ये इनको देखने, ये दो बैठी हुई छोटी बकरियाँ, दो भी खाना खा रही, तो मैं इस तरफ देखने हैं, तो मुझे पता चला कि ये नीचे बैठी हुई है ब्लैक वाली मुर्गी। यार मैं तकरीबन दोस्तों को आधे घंटे उसको ढूंढ रहा हूँ, तो ये देखो कहाँ छुप के बैठी हुई है, मैं समझा शायद ये बाहर निकल गई है कहीं घूम जाएगी, लेकिन नहीं, ये अभी इधर ही बैठी हुई है, तो बस शुक्र है मिल गई। अभी इसको थोड़ी मैंने डाइट देनी है ताकि इसका दिल बह जाएगा, क्योंकि न्यू है ना, फिर ये कहीं और नहीं जाएगी, फिर बात गई है। तो ये तो दोस्तों, ये कबूतर सुबह से खुले हुए हैं, आज धूप है काफ़ी सारी, तो ये छत पे थे, अभी आए नीचे, ये देखें ये बैठे हुए हैं,
बिल्कुल धूप में बैठे हैं, सुबह से छत पर ही थे, धूप में बैठे रहे हैं, ये देखें नीचे नहीं आए ये सुबह से। और आज चूज़ा भी नहीं निकाला, तो थोड़ी देर तक चूज़ा भी निकालते हैं उसको। वैसे मैंने थोड़ा सा दलिया पानी डाल दिया था वहीं पे केज के अंदर ही, तो अभी वो केज के अंदर ही है। तो थोड़ी देर तक फिर कबूतरों को बंद करते हैं और फिर निकालेंगे चूज़े को, थोड़ी देर के लिए उसको धूप में छोड़ेंगे और चल फिर लेगा, तो फिर उसको बंद करना है। दोस्तों बकरियों को भी चारा डाला हुआ है, खा रही हैं बड़े आराम से, मज़े से। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें ज़रा, सब लगी हुई हैं। आज धूप निकली है तो ये इनका बाड़ा भी खुश्क हो गया है। कल जो गीला हुआ था तो वो मैंने देखी एक साइड पे इकट्ठा कर दिया, तो वो भी खुश्क हो गया है। चलें अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है आज धूप निकली है, वरना बारिश से बहुत बुरे हालात थे। मतलब बहुत जोर की बारिश के साथ ओले थे दोस्तों, इतने थे बड़े ओले आए हैं, और रात भी गरज चमक रही है, बारिश बादल गरजते रहे हैं, बारिश भी आई है दो दफ़ा, सुबह सारी टाइम भी आई है। अल्लाह का शुक्र है आज धूप लग गई है, तो कुछ सुकून है बस। अब तो अल्लाह करे मौसम साफ हो जाए। और नीचे इनकी इनकी भी यहाँ से एक खुरली उठा दी थी, साइड पे कर दी, एक उधर ले गए थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो गई है जगह, तो आज वापस ले आएंगे इनको इनकी अपनी जगह पर, और इनका भी खुश्क हो गया है। जैसे अब अगर धूप ज़्यादा लगी तो फिर दोस्त इनको छाँव में लेके जाना पड़ेगा दोपहर के वक्त, तो बस देखते हैं क्या होता है। गाइस अभी मुर्गियों को खाना डाला हुआ था, डाइट खा रहे हैं, तो एक मुर्गी नहीं खा रही जो कल नहीं लेके आया हूँ, ये देखें ये इधर ही खड़ी है, ये उनके पास ही नहीं जाती, शायद ही वो इनको मारते हैं, ना तो उसने खाना खाया है ना उनके पास जाती है, वो कौवा खा रहा है, ये नहीं जाती वहाँ पर। अभी ये खा लेंगे फिर इनको बंद करके, तो फिर हम निकालेंगे चूज़े को, चूज़े को बाहर दाना वगैरह डालेंगे, पानी डालेंगे, और फिर उसको बंद कर देंगे। कबूतर बाहर निकल के बैठे हैं, चले ये बैठे रहे, और हम निकाल लेते हैं चूज़े को। मैं इसके पास इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये साथ ही सामने वाली वही लाल मुर्गी है जिसने पहले की दफ़ा इस पर हमला कर दिया था, तो कहीं आज फिर इस पर हमला ना कर दे, इसलिए मैं इसके बिल्कुल पास हूँ। ये मेरे साथ साथ फिर रहा है दोस्तों, अभी मैं इसको थोड़ा डाइट दे के और पानी पिला के इसको बंद कर दूंगा। पहले भी निकाला था इसको, मैंने दाने वगैरह डाले हुए, दलिया डाला था थोड़ा सा, तो दलिया वगैरह खाया हुआ है इसमें, तो इसलिए फिर अभी ज़्यादा देर इसको नहीं छोड़ना, तो इसको बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये पानी वगैरह पी लेगा, अगर कुछ चीज़ खानी है तो खा लेगा, उसके बाद बंद कर देंगे इसको। ये कबूतर जाके छत पर बैठ गए, मुर्गियाँ भी एक साइड पर चली गई हैं। चलो इसको फिरने देखते हैं। दोस्तों ये देखें मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं, अभी मैं इनके लिए थोड़ा सा चारा लेके आता हूँ, चारा नहीं है ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा चारा इनके लिए मैं लेके आता हूँ बाहर से। जी तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ छोटी बकरियों के लिए चारा लेने, यहाँ से बस थोड़ा सा चारा काटेंगे जो बस एक दफ़ा या दो दफ़ा उनके लिए बन जाए वहाँ पर बांध के, तो बस अभी क्योंकि शाम होने वाली है तो फिर उसके बाद उनको फीड करवाना है, दूध पिलाएंगे, तो इसलिए अभी बस थोड़ा सा चारा लेके जाना है मैंने, जल्दी जल्दी जाके मैं उनको बांध देता हूँ ताकि वो खा लें, तो फिर उनको फीड करवा दें। जी तो दोस्तों इनके लिए चारा मैं ले आया हूँ, ये अभी खा रहे हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम है फिर इनको फीड करवा के बंद कर देंगे, और आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।